YouTube चैनल पर। धन्यवाद आपको। हम फिर से संबंधित कुछ समस्याएं पूछेंगे जी। आपको उन पशुपालकों को सुझाव देना है जी। जी तो मेरा डॉक्टर साहब आप पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अभी फील्ड के अंदर कौन कौन सी ऐसी सीजनल बीमारियां चल रही हैं जिससे आपको फील्ड के अंदर फेसिंग करना पड़ रहा है या पशु उससे ज़्यादा ग्रसित हैं? देखो मेनली इस टाइम है ना जो अपने इस एरिया में बीमारी चल रही है जानवरों में जैसे गाय या भैंस में डिसेंट्री प्रॉब्लम हो रही है। डिसेंट्री की और बहुत ज़्यादा समस्या है और ब्लड साथ में आता ब्लड डायरिया। अच्छा अच्छा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ लगभग जानवरों में ये समस्या है अभी। और एक जो अभी चारा चेंज हुआ है जानवरों में तो एक अपने मोस्टली जो के पेशेंट आते हैं वो आते हैं इंफेक्शन के। इंफेक्शन हाँ जानवरों में इंफेक्शन होता है बंद लग जाता है। हाँ इंफेक्शन के बाद में 5-7 दिन जानवर खाता नहीं तो बंद लग जाता है जी। ये मेन दो प्रॉब्लम इस टाइम आ रही है। लेकिन दो समस्या ये मेन है इंफेक्शन ये दो मेन समस्या है। तो मैन अभी जो जैसे डिसेंट्री चल रही है तो इसमें शुरुआत में क्या होता है जानवर को कि डायरिया करता है ओनर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्यों एक तो थोड़ी ये लॉकडाउन की समस्या है ज्यादा उसको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती मेडिकल स्टोर पे वो जाने में असमर्थ रहता है थोड़ा सा जैसे बाजार में भी नहीं जा पाता है वो तो वो थोड़ा नेग्लेक्ट कर देता है उस चीज़ को चलो एक दो दिन में हो जाएगा। फिर दूसरे या तीसरे दिन उसमें ब्लड आना चालू हो जाता है और कई कई में तो ब्लड के एकदम से क्लोट प्योर ब्लड भी आता है क्लोट आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। तो उस स्थिति में अपने को वो फिर अपने को बोलता है कि डॉक्टर साहब देखो मेरा जानवर इस हिसाब से हो गया। तो अपने उसमें क्या करते हैं अपना ट्रीटमेंट ड्रिप वगैरह लगाना है वो तो लगाना ही पड़ता है क्योंकि डिहाइड्रेशन भी उसमें होता है। ड्रिप लगा दिया एंटीबायोटिक लगा दी अपना ट्रीटमेंट अपन कर देते हैं लेकिन घर पे उसको क्या करना है क्या मैनेजमेंट रखाव करें मैनेजमेंट मैन घर वाला ना घर वाला ये है कि जो ब्लड आ रहा है ना ब्लड की समस्या तो अपन उसको 250-250 ग्राम जैसे बड़े जानवर की बात कर रहा हूँ 250-250 ग्राम सुबह शाम 2-3 टाइम घी दिलवा दे। हाँ घी की अवेलेबिलिटी है तो नहीं तो तेल भी चलेगा तो उससे फायदा अपने को ये होगा जो ब्लड आ रहा ना वो रुक जाएगा हाँ मेजर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ मेजर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और साथ में उसको अपने ट्रीटमेंट कर दिया फॉलोअप में उसको एंटी डायरियल बोलस और इमेटेनिक वो अपन चालू बोलस चालू खून की कमी ना हो उसमें हाँ। जो कमी हुई उसकी पूर्ति मतलब जानवर क्या होता है ब्लड आता तो स्ट्रेनिंग करने लगता है बहुत ज्यादा जोर करता है बहुत ज्यादा समस्या आती है कई बार तो कोलिक भी पैदा होता है। हाँ तो उससे और उसको एडवाइस करते हैं कि जानवर को बार बार उसको पानी पिला थोड़ा उसमें नमक डाल और थोड़ा जैसे कई बार उसके टेम्परेचर बढ़ता है और मिनरल्स की ये तो कमी होती है एनर्जी लेवल डाउन होता है खाता पीता नहीं जानवर तो साथ में अपन क्या करते हैं जैसे 2-3 ये गुड़ की पावर गुड़ शाम को भिगो के सुबह दे देते हैं सुबह भिगो के शाम को देते हैं ताकि एनर्जी बनी रहे ये मेन चीज हो गई। 2-3 दिन उसको अपने ये बोलस वगैरह देंगे ना कंटिन्यू फॉलोअप में चालू कर देंगे तो रिकवरी हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब आपने पशुपालकों को बहुत अच्छा सुझाव दिया शायद पशुपालक इसको फॉलो करें। हाँ लेकिन ये है कि उसको मतलब जैसे ब्लड चाहे ना तो जैसे नॉर्मल डायरिया जैसे अभी कई पेशेंट ऐसे भी देखे हैं डायरिया चालू हुआ है स्टार्ट हुआ है उस टाइम में बोलस एंटी डायरियल दे दी ना तो वो कवर हो जाता है तो ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ अगर पशुपालक उसको जैसे वो फोन पे भी सलाह ले लेना तो भी अपन उसको क्या करते हैं बोल देते हैं यार मेडिकल पे जाके ये बात करवा दे ये गोली लिया ये गोली दे दे और साथ में साथ में एक ड्यूरमिंग करवा देते हैं वो और जहाँ पे सरकारी अपने हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ नजदीक हॉस्पिटल जाके वो ड्यूरमर ले तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो पहले प्रिकॉशन ले लेते हो पहले ले लेते ब्लीडिंग वाले कंडीशन से वो बच सकता है बिल्कुल वरना तो बाद में सीरियस हो जाएगा। हाँ फिर वो ज्यादा उसके थोड़ा इकोनॉमिक भी टाइम ज्यादा लगेगा बिल्कुल लगता है क्योंकि ज्यादा ब्लड कई कई पेशेंट तो 3-4 दिन ट्रिप पे रहना पड़ता है। अच्छा अच्छा एक डॉक्टर साहब अभी जो गर्मी का सीजन चल रहा है हाँ। तो जानवर हीट स्ट्रोक में भी ज्यादा आ रहे हैं
बिल्कुल, अभी जैसे तो तीन इसके चार बारे कुछ में पशुपालकों को थोड़ा आप डॉक्टर साहब, एक सुझाव। अपना टॉपिक था इंफेक्शन का, इंफेक्शन का भी था हाँ, इंफेक्शन। उसमें क्या है कि जानवर को मोस्टली अब ये टूड़ा चेंज हुआ है, जैसे गेहूं का कुंकला या जौ का ताजा कुंकला, थोड़ा आ रहा है। हाँ जौ का कुंकला है, लोगों ने क्या जौ निकाले गेहूं निकाले, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि खोखला थोड़ा गीला है अभी, तो वो डालते हैं। अब जानवर के पहला सिम्टम उसमें आता है या तो कोलिक होगा या फिर उसके आफड़ा आएगा, ठीक है। अब उस कंडीशन में उसको थोड़ा बहुत लग्जेटिव दे, अब ओनर वो कई बार क्या करते हैं तेल पिलाते हैं, ठीक है वेलन अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तेल पिलाओ उसको, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जब तक तो जानवर जुगाली नहीं करे अपने को उसको कुछ डालना नहीं है। इंफेक्शन जैसे अपने को लगा ये आफड़ा आ गया, तेल तो पिलाना है या आधा लीटर 1 लीटर तेल पिला दो उसको, तो उसके थोड़ा वो डायरिया तेल होकर लग्जेटिव पहले है, तेल लग्जेटिव काम कर लग्जेटिव। देगा, ठीक है। फिर उसको वो चारा 5-7 घंटे के लिए जब तक वो जुगाली नहीं करे वो चारा नहीं डालना उसको, अच्छा, वो जो गीला चारा उसको वही नया वाला चारा नहीं नहीं डालना डालो एक बार, मैं। नहीं तो फिर वो बंद की शिकायत हो जाएगी, ज्यादा हो वो जाएगी खा लेगा आफ रहेगा, आगे पास नहीं होगा, रूमिनेशन नहीं होगा, जुगाली नहीं करेगा तो फिर वो बंद लग जाएगा, इन्फेक्शन हो गया। उसमें अपने को क्या करना पड़ता है कि मोस्टली जैसे आफर आ गया तो अपने घर की रेमेडी देसी रेमेडी है, वो बहुत बढ़िया हाँ कि कई लोग करते भी हैं, 1 लीटर जैसे दूध लिया उसमें आधा लीटर तेल, 50 ग्राम सन्ना नमक, 50 ग्राम अपना ये जो खाने का नमक, अच्छा, दोनों और नमक 10 ग्राम हींग, हींग। इनको एकदम गर्म करके ठंडा करके वो जानवर को आराम से पिला दो। हाँ ध्यान रहे ड्रेन्स नहीं हो उसकी, कई अच्छा, बार क्या ड्रेन्स हो जाती है वो उसमें समस्या, निमोनिया वगैरह हो जाता है, ड्रेन निमोनिया बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या आ जाती है वो, वो हाँ दूसरी प्रॉब्लम और शुरू हो जाती वो है तो है ही है, इन्फेक्शन के साथ। हाँ तो वो हो जाएगी तो फिर वो ज़्यादा ये पशुपालकों को स्पेशली ध्यान स्पेशल रखना पड़ेगा। ड्रेन्स करें, या तो कोई जानकार आदमी हो, कई हाँ गांव में पुराने आदमी हैं वो बिल्कुल, बिल्कुल नाल वगैरह देते हैं, तो या तो एक्सपर्ट हाँ एक्सपर्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो गाय में तो मैन समस्या नहीं है ये, गाय तो आराम से ड्रेन वो ले लेती है, लेकिन भैंस में मोस्टली 90% ड्रेन्स के साथ रहते हैं, ड्रेन्स के क्यों साथ। भैंस हाँ मुंह नहीं खोलती, मोने को हाँ तो भैंस में बहुत सावधान रखनी पड़ती है। ये दे दिया फिर अगर नहीं हो रहा है फिर डॉक्टर से संपर्क करके, हाँ उसके गाइड के अनुसार उद्देश्य ये चीज़ तो अपने को करनी करनी है, शुरुआत में ये कर देंगे तो गोबर पास हो गया दिवाली की वो करने लगी तो फिर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात। और एक ये जो अभी समर में हीट चल रहा है, तो हीट से बचाव के लिए जानवर को मतलब पशुपालक को क्या क्या करना बिल्कुल बिल्कुल, चाहिए। देखो अपने जो ये एरिया अपना ये बेल्ट है लक्ष्मणगढ़ बेल्ट है, इसमें मोस्टली क्रॉस ब्रीड गाय हैं, मोस्टली बिल्कुल क्रॉस ब्रीड गाय हैं, तो ये जो सबसे ज्यादा ये हीट की प्रॉब्लम आती है ना इन क्रॉस ब्रीड गायों में, बिल्कुल आती है, तो हीट के पहले तो अपने को सीधा है कि ओनर को लक्षण पता होना चाहिए, हीट के लक्षण क्या क्या है क्या लक्षण है, कैसे पता लगेगा, कई कि कहते हैं जानवर हीट 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 स्ट्रोक स्ट्रोक है, में है। हाँ तो क्या होता है कि शुरुआत में जैसे जानवर के टेम्परेचर आता है तो ओनर को टेम्परेचर है तो बेचारे को पता लगता नहीं है, लेकिन जानवर पेंटिंग करता है पेंटिंग हम अपना शुरू कर देते आपना हैं। शुरू कर देता है, कई बार तो सिचुएशन ये आ जाता है कि जीभ निकाल के और सलाइवेशन होता भयंकर, जैसे लीटर दो जैसे लीटर नॉर्मली कुत्ता करता है उस टाइप उस हाथ से करने की लग, ये पेंटिंग गाय है ना होना। ये उस हाथ से करने लग जाती है, अच्छा, उस कंडीशन में जानवर ओ फीड होता है ओ कन्फर्म फीड होना बिल्कुल, हो तो खाना पीना कन्फर्म, बिल्कुल। सेलाइवेशन होता है तो बाइकार्बोनेट डिस्टर्ब हो जाएंगे उसके, तो हाँ रूमन की पेज डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो तो जाएगा, उसकी वजह से वो फीड हो जाएगा, ओ फीड हो जाएगा। फिर कई बार इतना ही डिस्टर्ब होता है कि जानवर रिकम्बेंस में आ जाता है, अच्छा, खड़ा नहीं हो पाता है, बैठा रहता था। डाउन नहीं रहता है, और उस कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, लेना हाँ और उसके फ्लूड वगैरह लगाना पड़ेगा जरूरत है, और इसका अपने को बचाव कैसे करना है, पशुपालक कैसे बचाव पशुपालक करें। कैसे बताओ करें भैया, एक कंडीशन ही पता नहीं होनी चाहिए बच्चे को, कंडीशन हाँ तो उस इसमें ऐसा है कि जानवर को सुबह सुबह जैसे धूप निकलने से पहले मतलब धूप निकल 8 बजे तक, कई ओनर क्या करते हैं कि जैसे काम किसान आदमी काम करता रहता है वो देखिए 10 बजे उनको उसको पानी पिलाता है उस टाइम नहला देता है, तो वो कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है, पहले ही टेम्परेचर में रहेगा फिर वो अपन और नहला दिया उसको, तो करना क्या है अपने को 8 बजे से पहले पहले उसको आधा घंटे तक नहला हो रहा है ठंडा पानी उसको डालो डालो पानी, तो उसका टेम्परेचर रेगुलेशन में वो काम, मेंटेन हाँ और
ठंडी जैसे ये टिन शेड रखते हैं मोस्टली, ज्यादा टीम सेट हाँ हाँ टिन शेड की बजाय अपन जानवर को ठंडी छाया में, जैसे पेड़ की छाया है पेड़ की उसमें छाया, बांधे, या ऐसी व्यवस्था नहीं है तो टिन शेड में बांधे तो नीचे उसके पानी का छिड़काव करो, पानी का छिड़काव कर पानी का छिड़काव करके उसको वहां पे बांधो, ताकि वो उस जो रूम का भी टेम्परेचर वो मेंटेन रहे, मेंटेन वो रहे, मेंटेन रहेगा, तो इसमें हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रोक की प्रॉब्लम, हाँ धूप से मैन बचाना ही है उसको, धूप से बचाना है। तो ये और ज्यादा जैसे ये मैंने बताया कि बाइकार्बोनेट का लॉस होता है, एनर्जी डाउन होती है, तो वो गुड़ का पानी, गुड़ गुड़ 3 4 मतलब पाव भर गुड़ को शाम को भिगो दिया, सुबह दे दिया, सुबह भिगो, तो एनर्जी रहेगी उसमें, बहुत फर्क पड़ेगा उस चीज़ से। हाँ और पानी में नमक डाल दो तो साल्ट का भी लॉस नहीं होगा, ये काम करना। और पानी उसको ज्यादा जितना पानी पिला सको उतना पानी उसके क्योंकि पास ही रखो, डिहाइड्रेशन तो होता ही है, डिहाइड्रेशन होता है बहुत ज्यादा, डायरिया भी हो जाता है उस कंडीशन में, हाँ टेम्परेचर आएगा तो मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो ये डॉक्टर साहब थे डॉक्टर महेश भास्कर, पशु चिकित्सा अधिकारी सांपू। उन्होंने अपने को पशुपालकों को रूमिनल इन्फेक्शन, ब्लडी डायरिया और हीट स्ट्रोक के बारे में अपने को जानकारी दी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आप पशुपालकों को इस चैनल के बारे में बता सको तो? देखो ऐसा है कि अपने को जानवर का एक तो खाने पीने का खास तौर से बैलेंस बैलेंस करना डाइट, जरूरी है। जानवर को बैलेंस डाइट ही अपने को देना, ऐसा नहीं है अब मोस्टली क्या करते हैं कि ज्यादा या तो ज्यादा उसको ये हरा चारा डालते हैं, अब हरे चारे की कमी है, कभी नहीं। कमी है तो उस हिसाब से उसको खिलाओ कि उसका बैलेंस रह जाए, आसानी से खा भी ले। टाइम है ना जानवर को, जैसे ये गर्मी है ना इसमें एनर्जी जरूर ज्यादा रहती है, अच्छा, तो जानवर को बैलेंस राशन देना बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी है। कंसंट्रेट। जैसे कई क्या करते हैं यहाँ किसान आदमी ड्राई हो गया जानवर तो उसको बाटा वगैरह ये नहीं बिल्कुल ही देते, छोड़ देते छोड़ हैं। देते हैं, जबकि उसको उस टाइम जरूरत रहती है, एक तो उसके पेट में बच्चा है बच्चा उसके ग्रोथ के लिए, एक गर्मी में उसमें उसको एनर्जी चाहिए बिल्कुल अपने को मेंटेन करने के मेंटेन लिए, करने के लिए। तो उसमें जानवर को जैसे 1 किलो खड़ सुबह 1 किलो खड़ शाम को देनी बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। हाँ एक मैं किसान भाई से ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम में चलो अब तो ये लॉकडाउन में ये FMD का वैक्सीनेशन थोड़ा सा डिले हो गया हाँ डिले हो। ठीक, लेकिन जब भी यहाँ एक धारणा है लोगों में कि जो अपने FMD ज्ञापन है तो अबॉर्ट हो अबॉर्ट हो जाएगी जाएगी, हाँ, जबकि अपने ऐसा कुछ या दूध पर उसमें कोई असर पड़ असर जाएगा। पड़ जाएगा, बुखार आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने वाइफ हम रिएक्शन करवानी करवानी है, छोड़ना उस जानवर को है जो लास्ट 1 month या 15 दिन 20 दिन में ब्याने वाला, उसको तो अपन प्रिकॉशन के तौर पर ऐसे छोड़ देते हैं कि कभी इंजर वैक्सीन किया जानवर गिर गया और तो बच्चे उनसे इंजरी ना हो बाकी जाए। एफएम हाँ वैक्सीन से अबॉर्शन अबॉर्शन का दूध का ऐसा होना कभी ऐसा ऐसा कुछ कुछ आया दिक्कत नहीं। नहीं, और वो कोइंसिडेंस कभी होता है ऐसा कि हो जाए वो ऐसा कुछ नहीं है उसकी अभी, वजह नहीं वैक्सीन नहीं है, कोई और रीजन हो और हो सकता सकता है जानवर ने लगाया, फ्यूर भी कई बार आती है वैक्सीन लगाने पर आ जाती है, कई बार सूजन भी आ जाती है, तो जैसे वैक्सीन लगाया क्योंकि ये एकदम चिल्ड वैक्सीन अपन जैसे अपन ये करते हैं ना, चिल्ड मतलब क्या ये 2 से 8 डिग्री होता है तो ठंडा रहता है वो टेम्परेचर, हाँ तो वो वैक्सीन अपन जब करते हैं तो वो जैसे मसल में इंट्रा मस्कुलर है ये मसल में जाता है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत उसमें इरिटेशन की वजह से स्वेलिंग आती है, आती है तो उस स्वेलिंग को ज्यादा इश्यू बना देते हैं कई लोग, यार उसके पड़ोस में लगाए वो पड़ोस में हो सूख गया गई ये हो जो गया, होना कुछ नहीं उसके बर्फ का सेक कर दो 2 4 दिन एकदम रिकवरी हो जाएगी। भेड़ बकरियों में अब जैसे मोस्टली भेड़ बकरी भी रखते हैं लोग, तो इस टाइम ईटी का वैक्सीनेशन करवाना है, करवाना टाइम टू टाइम जानवर की डिवर्मिंग चाहिए। वो करवानी है, मिनरल मिक्सचर उसको तंदुरुस्त रखना है, प्लेंटी मतलब क्या पानी पिलाना है, ये अपने को एक ध्यान रखनी है, प्रिकॉशन रखने, ध्यान रखने। ध्यान रखना है किसान में। ठीक है तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो ये दोस्तों ये थे डॉक्टर महेश वास्कर, पशु चिकित्सा अधिकारी शंकु। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।